नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था सिरसा संसदीय क्षेत्र के बारे में कि कितने प्रतिशत मतदान वहां पर हुए, जहां पर भाजपा की तेज तर्रार नेत्री सुनीता दुग्गल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के बीच कांटे की टक्कर थी। वहीं अब हम बात करने जा रहे हैं हिसार संसदीय क्षेत्र की, जो कि पूरे हरियाणा में एक हॉट सीट के रूप में उभर कर सामने आई थी, जो तीन महारथियों के बीच में कांटे की टक्कर साबित हो रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में हिसार में 72.16% मतदान हुए। हिसार संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिशत मतदान हुए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यहां पर किन किन के बीच में कितनी बड़ी टक्कर है, जिसकी वजह से ये सीट हॉट सीट के रूप में उभर कर सामने आई। यहाँ पर सबसे पहले पूर्व सांसद और JJP के बड़े नेता दुष्यंत चौटाला और वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह तथा इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के बीच में कड़ा मुकाबला है। ये तीनों ही राजनीतिक बड़े घरानों के बेटे हैं। अब तीनों युवा शक्ति पर जनता कितना भरोसा करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हिसार संसदीय क्षेत्र के उचाना कला में 70.50% मतदान हो चुके हैं। वहीं आदमपुर में 77.90% मतदान हुए। इसके अलावा उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 32.20% मतदान हुए और नारनौद में 72.46% मतदान हुए, तो वहीं हांसी में 72.17% मतदान हुए। अब बात करते हैं बरवाला की। बरवाला में 74.41% मतदान हुए, यानी कुल हिसार में 72.16% मतदान हुए। तो ये थी हिसार संसदीय क्षेत्र की मतदान प्रतिशतता, जो कि आधिकारिक आंकड़े हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में हम आपको एक नई लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का डाटा देंगे। तब तक नमस्कार।